रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभीतानि साचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चेत्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह का राशिफल। कैसा रहेगा आपका भाग्य, कैसा रहेगा आपका समय, किसके लिए मिलेगा मन चाहा प्यार, किसके लिए मिलेगी कारोबार में सफलता, इसलिए देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह आयात और निर्यात संबंधित अनुकूलता रहेगी। घर में मांगलिक प्रसंग हो सकता है, प्रेम संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। आपका मन चंचल रहेगा, मन को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। भ्रमण छात्र वर्ग के लिए लाभदायी रहेगा। गृहस्थ एवं दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत उचित समय है। पिकनिक व सैर सपाटी के लिए भी जा सकते हैं। परिवार सदस्यों को आरामदायी जीवन देने के लिए घर में आप कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। और आपके लिए हम उपाय बताते हैं कि आप हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर उनकी वाहिनी भुजा से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर। अब आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह आपको संतानों की चिंता बहुत सताएगी। विद्यार्थी वर्ग विशेष ध्यान दें, अधिक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सृजनात्मक एवं कलात्मक खूबी को आप प्रदर्शित करेंगे। संतान संबंधित समस्याएं भी कम होंगी। आप स्थायी संपत्ति में संबंधित कार्यों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने के दौरान थोड़ा संयम बरतें। आपके लिए उपाय बताते हैं। आप बुधवार के दिन 7 दूर्वा के अंकुर गणेश जी के लिए चढ़ाएं। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों को यह सप्ताह खर्चों में वृद्धि करा सकता है और कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता कम मिलेगी। आप निर्णय लेने में भी थोड़ा अटकेंगे। आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी डवाडोल रहेगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रकार के नए व्यावसायिक साहस करने से पहले आपको काफी सोच लेना चाहिए। कर्ज बढ़ जाए, इस तरह के किसी भी कार्य से आप दूर रहें। भाई बंधुओं के साथ समय आनंद पूर्वक बीतेगा, उनसे लाभ भी होगा। इसलिए हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आप 2.5 किलो साबुत मूंग को किसी अनाथालय में दान। अब आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों को यह सप्ताह आपके कार्यों में होने वाले विलंब को दूर करेगा और नकारात्मकता काफी हद तक आपकी कम होगी, पॉजिटिव भी बढ़ेगी। धीरे धीरे आपके कार्य सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। अचानक खर्च के लिए आप तैयार रहें। पारिवारिक सुख के लिए उत्तम समय है। आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है। संतान संबंधी कार्यों के पीछे व्यय करना पड़ेगा। जमीन या स्थायी संपत्ति संबंधित कार्यों में अनुकूलता रहेगी। इसलिए हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। आप भगवान शिव के लिए पीली सरसों के कुछ दाने चढ़ाएं, उससे आपको काफी सफलता मिलेगी। अब आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह नौकरी के स्थान पर अनुकूलतावादी रहेगा। शेयर बाजार में लाभ होगा। दाम्पत्य सुख एवं साझेदारी संबंधित कार्य
आगे बढ़ेंगे। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक विचार करेंगे। सभी कार्य आपकी योजना अनुसार भी संपन्न होंगे और धन से संबंधित लाभ की संभावना बनी रहेगी। तो आपके लिए हम उपाय बता रहे हैं कि आप गन्ने का रस भगवान शिव पर चढ़ाएं। अब आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनको संतान संबंधित मामलों में काफी शांति रहेगी। व्यवसायिक दृष्टि से समय उत्तम रहेगा, मन शांत रहेगा। सरकारी कार्य या उच्च अधिकारियों की ओर से भी लाभ होगा। जमीन संबंधित कार्य में अनुकूलता रहेगी। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जातक अपनी समझ से प्रगति का मार्ग बनाएंगे। समय दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं। आप शनिवार को शनि देव के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं। अब आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों को यह सप्ताह जो है बहुत गुस्से वाला, आपको बिना बजे ही गुस्सा आएगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। तेजी से वाहन चलाते समय दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए मन को स्थिर रखें। या गैर कानूनी कार्य भी हो सकता है, इसलिए आप मन पर संयम बनाकर रखें। पत्नी या ससुर पक्ष की ओर से लाभ होने की संभावना है। व्यवसायिक क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्णय हानिकारक और माता का सुख आपको अच्छा प्राप्त हुआ। तो आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं। आप प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भूमि को प्रणाम करें, उसके बाद जमीन और भूमि पर पैर रखें। अब आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों का जो ये सप्ताह है आपके लिए शुभ रहे और दाम्पत्य सुख और साझेदारी संबंधित कार्य के लिए उत्तम समय है। प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूलित समय है। शेयर बाजार से दूर रहें, सट्टा से भी दूर रहें, अन्यथा वित्तीय तौर पर आपको नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिक मामले में अधिक रुचि रखने से राहत का एहसास होगा। आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं। वट वृक्ष के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाकर उसकी मिट्टी में दूध मिलाकर उसको अपने मस्तक से। अब आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि वालों का जो ये सप्ताह है नौकरी करने वाले जातकों के लिए काफी अनुकूल रहेगा और संबंधों में अहंकार का टकराव हो सकता है। अहम को स्वयं पर हावी ना होने दें। कार्यस्थल पर सहकर्मी से मतभेद हो सकते हैं। प्रणय मामलों में रुचि रहेगी। आर्थिक लाभ तथा प्रवास की संभावना है। तो आपके लिए हम एक उपाय जो बताने जा रहे हैं, तो आप एक अपामार्ग का वृक्ष होता, अपामार्ग का पौधा जिसको देहात में ग्रामीण क्षेत्र में चिड़चिटा बोलते हैं, चिड़चिटा कहीं लटजीरा भी बोलते हैं, आप उसकी जड़ को लेकर आए और उसको इतवार के दिन, रविवार के दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने सीधे हाथ की भुजा में। अब आते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह, आपका जो मन है इसमें चंचलता बहुत अधिक रहेगी। इस समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेना टाल दें। छात्र वर्ग को विद्या अभ्यास में अनुकूलता रहेगी। पढ़ाई संबंधित प्रोजेक्ट ठीक तरह से कर पाएंगे। नौकरी करने वाले जातकों को उच्च अधिकारियों की प्रशंसा भी प्राप्त होगी। ध्यान रखें, इस समय आपको कोई गंभीर तरह की बीमारी भी हो सकती है। ज्यादातर धूम्रपान से बचने की कोशिश करें। तो आपके लिए हम उपाय बताने जो जा रहे हैं, आपके लिए उपाय है भगवान शिव को कुसा डालकर गंगा का जल अर्पण करें। अब आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह उत्तम दाम्पत्य सुख के लिए श्रेष्ठ समय है। आपको व्यावसायिक साझेदारों की कार्य में सफलता प्राप्ति होगी। शेयर बाजार संबंधित कार्यों से भी लाभ होगा। संतान प्राप्ति के लिए भी आपका अच्छा टाइम है।
अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ आपका समय बीत सकता है और प्रेम का सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले जातकों को सहकर्मियों का सहकार प्राप्त होगा। तो आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं, आप पीपल के 21 पत्तों की एक माला बनाएं और उन पत्तों पर राम 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 ये लिखें और फिर हनुमान जी को शनिवार के दिन भेंट करें। अब आते हैं मीन राशि। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह नौकरी वर्ग को वर्ग वालों के लिए प्रमोशन या नए पदभार के अनुरूप कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय व व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी, लाभ एवं यश प्राप्ति के मौके मिलेंगे, संपर्क के कार्यों से उन्नति मिलेगी, बातचीत में थोड़ी सावधानी से काम करें, यात्रा प्रवास की जना बनेगी, आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं, आप बुधवार को 7 बेसन के लड्डू लेकर गणेश जी के लिए जरूर चढ़ाएं, इससे आपके सारे कार्य बनते चलेंगे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके नए राशिफल के साथ। मंत्रार्था सफला संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मुदयस्तवः। ओम नमः शिवाय।